सो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज का दिन है दोस्तों संडे, संडे यानी कि रविवार। और आज का व्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी उसके लिए, क्योंकि सुबह थोड़ा एक जरूरी काम आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का व्लॉग फिर भी शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, बिंदास हो गए एकदम। पहले तो जाएंगे हम लोग थोड़ा बाहर, और अभी मैं जाकर खाना खा लेता हूँ। खाना बहुत मस्त टेस्टी सा बना, मेरा फेवरेट दाल चावल सब्जी। और दिखाता हूँ क्या क्या है। और यहाँ पे छत पे हमारा भाई है, फोन पे बात कर रहा छोटू। पंच देवता पंचसूल फोन पे है। और सब बढ़िया है, इधर मेरे एक और भाई। हेलो, इसको तो यहीं से आना, इतना दूर से आएगा, देख रहा छलांग मार क्रीज जैसा आएगा। सोच रहा कैसे आए, नहाओ पहले तब आना। चलिए गाइस, जैसा ऐसा होता है आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आज भी बहुत मस्त कंटेंट आ जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है मुझे खुद पर और आप लोग के प्यार पर। चलिए जो होगा दिखाते हैं। बाय बाय, बाल कटवा लो, तुम्हारा मुंह पे आ जा रहा है बार बार। और ये रहा गाइस मेरा खाना, दाल चावल आलू मटर गोभी मूली की सब्जी, ये सरसों का साग है। तो चलिए, मेरा फेवरेट दाल चावल सब्जी और सरसों का साग आजकल हम लोग के घर में डेली बन रहा है। चलिए खाते हैं। और मेरा खाना ऐसे रहता दोस्तों, दाल चावल एकदम डायरेक्ट डाला हुआ, सब्जी ऊपर से, मस्त एकदम टेस्टी सा। कटोरा कटोरी मुझे पसंद नहीं, ऐसे ही खाते हैं गर्मा गर्म, मस्त एकदम शुद्ध देसी अपना दाल चावल। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, होता है बहुत कुछ। चलिए खा के मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, वंस अगेन हम लोग आए हुए CCW कॉलोनी में, और यहाँ पे हमें कोई ना कोई हमारे प्यारे बंधु भाई दोस्त लोग मिल जाते हैं। आज बहुत दिनों बाद और फर्स्ट टाइम ऑन द व्लॉग हमारे वैभव भाई आए हैं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग आदित्य। और क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, सब बढ़िया चल रहा है भाई। स्कूल से ही हम लोग फ्रेंड हैं और अभी तक चला जा रहा है अपना दोस्ती, मिल जाते हैं कभी कभार। और आज हम लोग का कुछ प्लान है कि बाहर निकलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कुछ, हम लोग बहुत दिन बाद साथ में एक्सप्लोर करेंगे, काफी फन होने वाला है। मिलते हैं आपसे। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल में रेलवे कॉलोनी में है। और ये देखिए यहाँ के कॉलोनी क्वार्टर्स कितने खतरनाक डिजाइन के, एकदम गजब आर्किटेक्चर है। ये यहाँ पे ऑडी भी चलता है। ये सब पुराने क्वार्टर्स है दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने के। और अभी हम लोग जा रहे हैं पप्पू तालाब, वहाँ पे हम लोग क्यों जा रहे हैं आपको दिखाते हैं। ये इसकी बंगलो है, ये थाना उना का एरिया है। गाइस, हम पहुँच गए पप्पू तालाब और यहाँ तो मेला लगा हुआ है। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए, यहाँ मेला लगा हुआ है, यहाँ पे झूला वगैरह भी है काफी तरह का, छोटा छोटा है बच्चों लोगों के लिए। बच्चे लोग यहाँ फन मस्ती कर रहे हैं ट्रैम्पोलिन पे। देख रहे हो दोस्तों आप लोग, यहाँ पे काफी फन चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है बच्चों का। चलिए अब अंदर चलते हैं, आपको मूर्ति दिखाते हैं सरस्वती माता का। तो गाइस, हमें यहाँ पे पप्पू तालाब में और हमारे ठीक है, ये और नाम बता दीजिए। हेलो सर, कुमार। हेलो। और यहाँ पे कहाँ किसी का था? बढ़िया एक्सपीरियंस है क्या ये लोग? काफी बढ़िया माहौल लगा दोस्तों, ये लोग पूरा स्टंट मार रहे थे अंदर से। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बहुत अच्छे बच्चे लोग। द अल्टीमेट धनबाद का अल्टीमेट सरस्वती पूजा यहीं पे होता है गाइस। कल तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाए, बट कोशिश करके आज पहुंच गए। और ये देखिए नज़ारा यहाँ का। और ये पीछे से ट्रेन जाती है। इधर भी कुछ है गाइस, लिखा हुआ है आठ पाए विकास सक्सेना। आठ पाए विकास सक्सेना। और यहाँ पे काफी भीड़ है,
और आपको नज़ारा दिखाते हुए यहाँ आ जाते हैं इस ब्लॉगिंग के साथ। आज के लिए इधर काफ़ी हो गया। मेरे भाई ने बोला कि आज भी लगा हुआ मेला जाकर देख लेने के लिए, सो मैं आ गया और कवर कर लिया जाकर फुटेज और घर चलते हैं। यहाँ से रास्ते में कुछ बढ़िया नज़ारा मिलेगा कोई मिलेगा। और आज मौसम भी बहुत सुंदर है, कहीं पर भी घूमने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, शूट लेने के लिए। सीसीएल काउंसिल बताया जा रहा था, इसे पता नहीं इसको कोई रहता है। तो आज सोचा हम लोग थोड़ा आके यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, यहाँ का क्या है नहीं है, कोई रहता भी है कि नहीं। ये बेचारा सुनसान सा पेड़ है, बड़ी सोसाइटी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम है, एक्सकेवेटर लोडर सब है, देखते क्या है। तो गाइस घूमते घूमते हमारे यहाँ पे प्यारे भाई मिले हैं हमें, क्या नाम है आपका? आयुष। हेलो। इनको तो मैं बता दूँ अपने चैनल के बारे में, ये भी देखेंगे और फिर बताएंगे कमेंट करके हमें, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप यहीं रहते हैं ना? हाँ। सही, भी पूरा बीसीसीएल का ही कॉलोनी है दोस्तों। ये तो अभी पूरा थोड़ा खंडर टाइप हो गया इस साइड, बट इस साइड बहुत बढ़िया है, पूरा साफ एकदम बढ़िया सा एकदम। भाई यहीं पर रहते हैं, पहले कहाँ रहते थे? अच्छा यहीं पर जन्म लिए। सही है सही है। करो नाम बता। नाम क्या है आपका? शिवम। शिवम बहुत प्यारा नाम है। तो चलिए देखते हैं, बहुत शांति है यहाँ पे। तुम लोग को डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, रात में नहीं निकलते इधर। चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्या मिला तुम लोग को? अरे शुरू में ही हम दिखा देखे हैं, पहले भी बहुत मस्त है। क्या नाम है पहले तुम्हारा बताओ? आदित्य। तीन बहन। तुम लड़के हो कि लड़की हो? लड़का है भाई। तीन बहन है। अच्छा तीन बहन है भाई। ओह यहाँ बहुत मस्त तालाब है गाइस। ओह आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे बहुत प्यारा नाम है दोनों का। अरे यार बहुत मस्त जगह है। तो गाइस ये यहाँ पे बहुत बढ़िया तालाब है, बट सुनते हैं कि इसके पीछे कुछ कहानी है। आदमी पी के डूब पार हो रहा था। तो इसमें क्या है, मतलब बहुत गहरा है ये? ऐसे ही बिल्डिंग है। अरे भाई 100 फीट गड्ढा है। तो और ज्यादा हो गया। आदमी डूबा था, बहुत देरी में निकला था। और पढ़ाई वढ़ाई करते है ना? ट्यूशन पढ़ते। आज छुट्टी मिला। छुट्टी मिला है। शनिवार और शनिवार दोनों। बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा यूट्यूब चले चले अभी। हाँ हाँ आप लोग यूट्यूब पे आइएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ बोलना है? चलिए फिर कभी मौका मिलेगा, फिर कभी मूड ठीक है। इतना जल्दी सर मारेगा तो सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या दिखाओगे? अरे बाप रे बाप, ये बच्चे लोग हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? एकदम पूरा एडवेंचर हो गया आज तो। इधर आओ, इधर आओ। ये एंटी बेंटी पोटी पे चढ़ गया। और ये खतरनाक स्पॉट है, एक मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गाइस अभी हम लोग कुआं के पास पहुंच रहे हैं और ये देखिए बच्चे ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। इसको भी डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है? चिंता मत करो, हम है ना। ये है दोस्तों कुआं, पूरा एकदम देखने से ही हॉरर लग रहा है पूरा एकदम। इसके अंदर झांक सकते हैं क्या? यही वाला है? एक सेकंड हम इसके अंदर रिकॉर्ड करके देखते क्या है। अरे कुछ नहीं होगा भाई, ये देखिए तो पूरा डीप। मुझे तो दिख नहीं रहा है बट आप लोग को हो सकता है दिखे। A few moments later. बहुत ऊपर है, छोड़ दो। अरे हम लोग इधर आ गए थे ऐसे ही कि चलो एक्सप्लोर करेंगे, कोई रहता नहीं है, बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमें मिल गए यहाँ पे। थैंक यू ऐसा टूर दिखाने के लिए। पहाड़, ये पहाड़ी लोग ऐसे कूदते हैं ये लोग। ये चलो तेरे बच्चों लोग के डिमांड पे एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं। अभी तो हम जवान हैं। क्या बोला तूने? अभी तो हम जवान हैं। बहुत मजा आया सबको, एक बार फिर से थैंक यू।
क्रिकेट पीछे दोस्तों यहाँ पे लोग मैच प्रैक्टिस भी करते हैं। क्या चीज? अरे भाई हाँ, सबसे ऊपर में जाएगा क्या? ना ना पागल, हमको भी कभी कभी डर लग जाता है यार। बहुत मस्त जगह है तो। फिर घर जाके एक बार हाथ धो लेना। हाँ, और हाथ को मुंह कान में मत लगाना, नाक मत खुजाना। भर में डुबा दिया था। यही नहीं अभी और कूदो मत, डूब जाना रे। दो तीन चार पांच छह अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो दिखा ही नहीं। चलिए और दिखाते हैं आपको कुछ मस्त। भैया किस लिए जमा कर रहे हैं? किस लिए? बकरी बकरी खाता है। तो ये क्या चीज का फसल है? ये बस घास है। तालाब है क्या? खेत है ना, कितना पानी। आजकल नए नए चीजें एक्सप्लोर करने में काफी मजा आ जा रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ से। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत सारे मस्ती वाले ब्लॉग्स आने वाले हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। गाइस जो लोहार खुली में भी भाई लोग ने सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज किया था, वही लोग भाई लोग आए हुए थे प्रसादी देने के लिए। प्रसादी गाइस, तो यही भाई लोग हैं हमारे जो आए हुए आज। चलिए थैंक यू प्रसादी के लिए।